Hello students, chapter is interesting, so shall we start our third page? Okay, let's start. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy so thirsty and the mother so sad, he said. जो प्रिंस है वो उसको कहता है कि तुम क्या मेरे मैसेंजर बन सकते हो और एक रात मेरे साथ ठहर जाओ. जो लड़का है वो बहुत ही प्यासा है, जो मदर है वो बहुत ही उदास है. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वालो. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट. स्वालो फिर एक मजाक में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के कुछ अच्छे लगते हैं, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ. बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वालो वॉज सॉरी. इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. तो हैप्पी प्रिंस जो था वो बहुत दुखी लग रहा था. एक वो जैसे होता ना कि दिल से वो दुखी लग रहा था, तो स्वालो को ये चीज़ फील हुई. तो वो कहते चलो ठीक है, एक रात मैं तुम्हारा काम करने के लिए ठहर जाता हूँ, ठीक है. देन थैंक यू लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे पक्षी. द स्वालो पिक्ड out the great ruby from prince's sword and flew away with it in his beak. अब स्वालो ने क्या किया कि उसकी स्वॉर्ड में से, उसकी तलवार में से, उसका जो हैंडल था उसके ऊपर एक छोटा सा हीरा लगा हुआ था, उसको उसने निकाल लिया और वो लेकर उड़ गया. Over the roofs of the town, वो ऐसे ही शहर की छत ऊपर जो छत थी उसके ऊपर से निकल रहा था. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. वो गिरजाघर के मीनारों के ऊपर से गुजर रहा था जहाँ पे सफेद रंग के, वाइट कलर के जो संगमरमर के देवदूत थे, जो एंजल्स की जो स्क्रिप्चर्स थी वो सारे स्कल्पचर्स वहाँ पे एनग्रेव्ड थे. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out of the balcony with her lover. जैसे वो वहाँ के पैलेस के पास से निकला तो उसको वहाँ पे एक कुछ एक लड़की के नाचने की ना आवाज़ आई कि उसको सुंदर सी एक लड़की थी जो कि आके वहाँ बालकनी में खड़ी हो गई अपने प्रेमी के साथ. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी आंसर्ड. आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी. उसने कहा कि मैंने अपनी एक ड्रेस जो है वो ऑर्डर की हुई है और उसमें ऊपर बड़े सुंदर फ्लावर्स जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दिए हैं, लेकिन ये जो काम करने वाली लेडीज़ होती है ना, ये सीम स्ट्रेसेस जो टेलर्स हैं ये काफ़ी सुस्त होती हैं. ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ शिप्स. ऐसे करता करता वो खूब वहाँ के जो समुद्री जहाज थे उनको क्रॉस करता हुआ निकल गया. एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुक्ड इन. द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली इन ऑन हिज बेड and the mother had fallen asleep. She was so tired. वहाँ वो देखता है कि वहाँ पे बच्चा जो है वो बहुत बीमारी की हालत में, बुखार है और वो बहुत ऐसे उलट पलट कर रहा है बेड के ऊपर, और उसकी जो मदर है वो बहुत थक गई है और उसने अपना सिर नीचे करके वो बैठी हुई है. इन ही hopped and laid the great ruby on the table beside woman's thimble. वहाँ पे टेबल पे थिम्बल इज लाइक यू कैन सी एक रिंग होता है जो एम्ब्रॉयडरी करते वक्त लेडीज अपने हाथ में पहनती हैं, तो उसने वो उतार के टेबल पे रखा है. तो इसने जाके ये जो जो इनके पास जो जेम था, जो स्टोन था, प्रेशियस स्टोन, वो जाके उसके पास रख दिया. देन ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड. फिर उसने बेड के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया, उसके ऊपर उड़ा. फैनिंग द बॉयज फोर हेड विद हिज विंग्स. और उसने अपने परों से ऐसे उसको ऐसे जैसे पंखा झलते हैं तो ऐसे उसको ऐसे करवाया. एंड आई मस्ट बी गेट हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय. बॉय ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी ठंडक महसूस हुई है. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैंक ऑन द डिलीशियस स्लंबर. उसने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, और ये कहते कहते उसने एक अच्छी नींद के नींद में वो खो गया. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It's curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it's so cold. उसने
उस पक्षी ने आकर वापस हैप्पी प्रिंस को सब कुछ बताया कि उसने क्या किया, और फिर उसने बोला कि हैरानी की बात है कि मैं काफ़ी कोजी महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत गर्म सा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा है जबकि बाहर बहुत ठंड है। तो बच्चे आप मेरे को ये बताइए, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें उसी वक्त उसके बाद कैसा फील होता है? जब हम किसी की हेल्प करते हैं बिना किसी सेल्फिश के, तो चाहे हम लोग उस वक्त खुश नहीं हैं लेकिन उस काम को करने के बाद हमें एक इंटरनल खुशी मिलती है, ठीक है? तो सेम खुशी की जो फीलिंग है वो इस वक्त स्वर्ण को हो रही है। सो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर, लेट्स मीट सून।